हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं लर्निंग लैब चैनल। तो ये जो है ट्यूटोरियल है, ये हमारा प्लेनर ट्रैकर का सेकंड पार्ट का ट्यूटोरियल है। तो इसमें डिफरेंस क्या है लास्ट ट्यूटोरियल से, थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे और क्या करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में क्या करूँगा, मेरे पास ये फुटेज है, इस फुटेज में मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को प्लेनर ट्रैकर की मदद से ट्रैक करेंगे और कुछ भी इमेज, दूसरी इमेज ला के यहाँ पर लगाने वाले हैं। वो कैसे करेंगे वो देख लेंगे। इसमें क्या है, लास्ट ट्यूटोरियल में क्या था, हमारा पूरा सरफेस ऐसे मिल रहा था, बस इसमें क्या है, यहाँ पे लेडी आके इस चीज़ को कवर करती है। तो उसको कैसे करेंगे और कैसे देखेंगे, तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे और ये वीडियो को शुरू को स्टार्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे चाहिए प्लेनर ट्रैकर नोड, यहाँ से प्लेनर ट्रैकर नोड ले लेंगे। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में लास्ट ट्यूटोरियल में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो अभी मुझे पर्टिकुलर इस पार्ट को ट्रैक करना, सॉरी जो ये एरिया है इसे ट्रैक करना है। तो अराउंड में कौन से फ्रेम से जो थोड़ा सा फ्रेम बेस्ट लग रहा है वहीं से ट्रैक करेंगे। तो ऑलमोस्ट मैं 50 फ्रेम से इसे ट्रैक करने की ट्राई करूँगा। तो एक शेप आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लीजिए ऐसे। ओके, तो ऐसी कुछ शेप हमने ड्रॉ कर ली है इसके। अभी मैं ये दिखा देता हूँ प्रॉब्लम कैसे है। अगर मैं पर्टिकुलर इसको ट्रैक करने के लिए जाता हूँ, चलिए मैं ट्रैक में क्लिक कर देता हूँ कुछ ऐसे। अभी तक अच्छा ट्रैक कर रहा है, बस जैसे ये लेडी आ रही है तो ये पूरी तरीके से, ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से देख रहे हैं, पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। तो मैं यहीं पर इस ट्रैकर को रोक देता हूँ। तो ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको पर्टिकुलर इसको होल्ड आउट मैट इसके लिए निकालेंगे। वो कैसे करेंगे वो दिखा देता हूँ मैं एक बार। तो अभी क्या करूँगा, इसकी ट्रैकिंग डेटा है, इसे रिमूव करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करिए क्लियर ऑल ट्रैकिंग डेटा। अभी मेक श्योर मैं चेक कर लेता हूँ क्लीन हुआ कि नहीं। हाँ, पूरी तरीके से क्लीन हो गया। तो अभी क्या करना है हमें, एक सॉरी यहाँ से एक न्यू ट्रैकिंग लेयर लेना है। ऐसे क्लिक करेंगे एक आ जाएगा, अगर इसको नाम मैं दे देता हूँ लेडी करके नाम दे देते। अभी हमें लेडी के लिए एक गार्बेज मास्क की ज़रूरत है। तो दो तरीके से आप ट्रैक भी कर सकते हैं गार्बेज मास, और मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो मैं मैन्युअली ही करने वाला हूँ क्योंकि इसमें मुझे कम टाइम में बहुत जल्दी कर देंगे। थोड़ा सा एक नॉर्मल सा गार्बेज मास का ऐसे ड्रॉ करेंगे। ओके, ये ड्रॉ कर लिया। अभी इस पूरे गार्बेज मास को एनिमेट करना है। सॉरी, हमारा क्लोज नहीं हुआ ये एक्चुअली, ये क्लोज़ कर देता हूँ मैं। ओके, अभी पूरी तरीके से क्लोज हो गया। तो अभी इस मास्क को क्या है, पूरे जितने फ्रेम्स हैं उतने फ्रेम में एनिमेट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ यहाँ पे वीडियो को। जो ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हमने इसके लिए गार्बेज मास्क कैसे ड्रॉ कर लिया है। इसमें कोई आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये रोटो कैसा हुआ है। तो पर्टिकुलर इस एरिया के लिए हमने गार्बेज मास्क एक ड्रॉ किया है और ऐसा कुछ हमें नज़र आ रहा था। कोई प्रॉब्लम है, एक बार देख लेते, प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें दिख रही हैं मुझे, यहाँ पर इस गार्बेज मास्क को थोड़ा सा सही कर लेते हैं और देख लेते हैं कहीं कुछ तो नहीं है। ऑलमोस्ट बाकी जगह पे सही है। तो अभी आते हैं अपनी फर्स्ट लेयर पे, जो ट्रैकिंग की लेयर है, ये फर्स्ट लेयर है। हमने इसको 50 फ्रेम पे ड्रॉ किया था। अभी मैं इस पर्टिकुलर लेयर को ट्रैक करने वाला हूँ। पहले मैं फॉरवर्ड ट्रैक कर लूँगा इसको, अभी देखते हैं कैसा जाएगा ये ट्रैक करने के बाद। ओके, अभी देख पा रहे हैं लास्ट टाइम पूरी तरीके से जो पॉइंट्स था, ये पूरा रोटो का शेप था, वो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। अभी पूरी तरीके से सही से जा रहा है। एक बार इसकी एक्यूरेसी को थोड़ी देर में चेक करेंगे होने के बाद। यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ पूरी तरीके से ट्रैक हो गया है। अभी हम बैकवर्ड की तरफ ट्रैक कर लेंगे। बैकवर्ड की तरफ हमने ट्रैक नहीं किया, तो इसको हम बैकवर्ड की तरफ अभी ट्रैक कर लेंगे। ओके, अभी इस फुटेज को स्टेबलाइज करके चेक कर लेंगे ये ट्रैक कैसा हुआ है। ओके, ये देखने में थोड़ा सा एक बार बफर हो जाएगा तो ये सही दिखने लगेगा। अभी थोड़े से बफर की वजह से ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ओके, अभी देख लेंगे स्टेबलाइज करने के बाद ये पॉइंट्स बराबर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से ये पॉइंट फिक्स हैं अपनी जगह पे। तो एक बार यहाँ भी चेक कर लेंगे, यहाँ भी सही, ऑलमोस्ट सही लग रहा है। तो एक बार क्या करेंगे, अभी इसके ऊपर हम चेंजेस करने वाले हैं। सॉरी,
अभी हम करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ये क्या है, यहाँ पे आप जैसे ही माउस की बटन को लाएंगे यहाँ डिस्प्ले प्लेनर सरफेस, प्लेनर सरफेस को अभी इसके अकॉर्डिंग अपने को सेट कर लेना है। कैसे सेट करेंगे, सेट करने के लिए नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना है आपको, अपने जहाँ भी पॉइंट्स चाहिए वहाँ पे सेट कर लेते हैं, ऐसा कुछ सेम यहाँ पे कर लेंगे। ओके, तो ये प्लेनर सरफेस को सेट कर दिया, अभी इसे दोनों को कर लेते हैं ऑफ, इसको भी ऑफ कर देंगे। यहाँ से हम ग्रिड लेते हैं, ग्रिड पे प्ले करके देखेंगे हमारा ट्रैकर कैसा हुआ है। ग्रिड भी प्रॉपर ही जा रहा है एक तरीके से, प्रोस्पेक्टिव भी इसका पूरी तरीके से सेट है, तो कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी क्या करते हैं हम, ऑलमोस्ट सेट है, तो अभी क्या करेंगे हम यहाँ से ट्रैकर को ले लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ से इतना हो गया, थोड़े से कॉम्प को थोड़ा सही कर लेंगे। ओके, तो रेफरेंस फ्रेम 50 का ही मैं रख रहा हूँ, आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कहाँ से, लास्ट प्रोग्राम मैंने बताया था कैसे चेंज करना, एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ से ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है जहाँ पे येलो रहता है और ये नॉर्मल है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 55 का मुझे चाहिए रेफरेंस फ्रेम, मैं यहाँ पे सिंपली जाके यहाँ पे मुझे क्लिक करना, देखिए सेट करेंट फ्रेम टू रेफरेंस फ्रेम, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखिए सिस्टम थोड़ा, हाँ ये देखिए ऐसा कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मैं 50 पे ही करने वाला हूँ। तो मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे और क्लिक कर देता हूँ। ओके, ऐसा कुछ कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है मुझे, यहाँ से मैं इस ट्रैकर को यहाँ से निकालने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको जाना है कॉर्नर पिन 2D रिलेटिव, यहाँ पे आ गया, ऑल्ट ई प्रेस करेंगे तो इस इसके जो इंटरनल लिंक है इसे तोड़ सकते हैं और ला भी सकते हैं ऐसे। मैं ऑल्ट ई प्रेस करता हूँ, अभी इंटरनल लिंक ऐसा कुछ हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी इसको कर देते हैं क्लोज़। ओके, यहाँ के लिए कुछ इमेज लेके आनी, तो इमेज मैंने एक लेके आई हुई है, ऐसी कुछ इमेज है हमारे पास। थोड़ा सा इसके साइज़ को सही कर लेंगे, तो रिफॉर्मेंट नोट का यूज कर लेंगे इसके साइज़ के लिए, और मर्ज ले लीजिए एक ऐसा कुछ। ओके, ऐसा कुछ रहा, रिफॉर्मेंट में थोड़ी सेटिंग कर देंगे, यहाँ पे आप कर देना ब्लैक आउटसाइड, तो ऐसा कुछ मिल जाएगा। अभी एक कॉर्नर पिन लेना है हमें, ऐसा कुछ कॉर्नर पिन ले लीजिए। आपको फॉर्म में जाना है और मैं कहूँगा इसको डिसेबल कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। अभी हमें क्या करना है, ये पॉइंट्स को इसके एंडिंग पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए ऐसे कुछ। ये हो गए, अभी हमें आ जाना है कॉर्नर पे 2D और ऐसे कुछ कर दीजिए, अभी इसको ऑन कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी हमें इसके अकॉर्डिंग, इस इमेज के अकॉर्डिंग इस इमेज को सेट करना है। कैसे करेंगे, डबल क्लिक करिए यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स हैं इनको लेके आना है, सॉरी क्लियर कर देता हूँ मैं, ऐसा कुछ है। तो इन पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग सेट कर देना, कहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंट रख देते हैं, दूसरा पॉइंट की जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ले आएंगे ऐसा कुछ। सेम यहाँ पे करने वाले हम, और ऐसा कुछ ऐसा रख देंगे। तो ऐसा कुछ हमने कर दिया है, अब प्ले कर देते थोड़ा सा, इसके साथ में नहीं जा रहा क्योंकि हमने अभी तक इस अपने ट्रैकर को कनेक्ट नहीं किया, तो ट्रैकर को यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। ओके, अभी प्ले करके देख लेंगे। ओके, कॉर्नर पिन थोड़ा गलत सेट हो गया, मुझे ऐसा फील हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट्स को और नीचे करना चाहिए था ऐसे कुछ। यहाँ पे ओके है, यहाँ पे भी ठीक है, ओके। आई प्ले करके देख लेंगे हम इसे। ओके, प्ले में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको, लेकिन अभी हमें क्या है कि ये लेडी ऊपर से आ रही थी, अभी हमें प्रॉब्लम्स क्या लग रही है, इस लेडी को वापस ऊपर से लेके आना पड़ेगा क्योंकि अंदर ये छुप रही है इसके अंदर ऐसी। तो इसको कैसे लेके आएंगे, मैं पूरे फ्रेम्स में तो नहीं करके दिखाने वाला हूँ, बस कुछ फ्रेम्स में मैं आपको करके दिखा दूंगा कि इसे आप कैसे लेके आ सकते हैं। ओके, तो आप क्या करना है, कुछ ऐसा कर लीजिए,
एक मर्ज नोड लेना है, ऑपरेशंस में कर दीजिए इन, यहाँ कर दीजिए, और एक रोटो सेप लेनी है आपको। अगर कहने का मतलब क्या है कि हमें लेडी का जो है सेप है उसे ट्रैक करना पड़ेगा, सॉरी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक फ्रेम के लिए मैं ड्रॉ करूँगा, सारे फ्रेम के लिए मैं ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, एक गार्बेज दूर से ड्रॉ करता हूँ, बहुत अच्छा करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ओके, तो कुछ ऐसा हमने ड्रॉ कर लिया है, क्लोज कर देंगे। एक मर्ज लेना है, यहाँ कनेक्ट करना है, कुछ ऐसा कर देना है, अभी व्यू करके देख लेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब कि हमने लेडी को ऊपर से ऐसा कुछ लेके आ गए। अभी मैं एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका नोड ग्राफ कैसा बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान सा नोड ग्राफ है इसके लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसा आउटपुट ला सकते हैं। अभी मैं सीसी डिफोकस और ये सारी चीज़ें नहीं ध्यान दे रहा हूँ, ना तो मैं मैच करने वाला हूँ अभी, क्योंकि उनको आप घर पे आराम से बैठ के कर सकते हैं। ये प्लेयर ट्रैकर के बारे में था, तो प्लेयर ट्रैकर के थ्रू हमने इसको कर दिया ऐसा। एक बार और प्ले करके मैं दिखा देता हूँ, वन करेंगे, यहाँ से टू प्रेस कर दीजिए, अभी देख सकते हैं कुछ ऐसा आउटपुट मिल गया। तो ये प्लेनर ट्रैकर बहुत आसानी से हमने किया है। आई होप कि ये प्लेनर ट्रैकर नोट जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहेगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ख्याल रखें।